एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अनदेशकों को, अनदेशकों के मानदेय को लेकर। आप सभी बहुत सारे साथी इसमें ऐसे होंगे जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से अनुदेशक होंगे। अनुदेशक उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2013 से नियुक्त हैं। ये अनुदेशक आज भी सरकार की बदनीति के कारण एक सम्मानजनक मानदेय पाने के लिए कोर्ट और सरकार के चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने 7,000 रुपये मानदेय पर अनुदेशकों को नियुक्त किया। इसके बाद अखिलेश सरकार ने 8,470 रुपये इनका मानदेय किया, लेकिन कहीं पर उसे किसी भी प्रक्रिया का पालन न किया। इसके बाद योगी सरकार ने आते ही वो 1,470 रुपये काट करके लगभग 11 महीनों की रिकवरी कर ली। और अब हाई कोर्ट के 17,000 रुपये मानदेय देने के बावजूद भी यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 9,000 रुपये मानदेय पाने वाले अनुदेशक कितना रुपए खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। जिस पैसे का उपयोग परिवार के पालन पोषण में लगाना चाहिए, वो पैसा वो अपने सुप्रीम कोर्ट की तारीखों में लगा रहे हैं। साथियों, ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा बिगुल फूकना होगा, जिससे कि सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जा सके। संविदा कर्मियों के विरुद्ध ये सरकार है। माननीय सांसद कौशल किशोर जी ने संविदा कर्मियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार आई, वो उन सारी चीज़ों को भूल करके फिर सरकार की बातों में रम गए। तो इस सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी नेता अनदेशकों के पक्ष में नहीं है। इसलिए सभी अनदेशकों के लिए एक ही ये तरीका है कि वो अपनी पूरी तैयारी करें और तैयारी करके सरकार से आर पार का करें, लड़ाई करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सरकार पर बहुत अच्छी तरह दबाव बनाया जा सकता है। बेचारे अनुदेशक 9,000 रुपये मानदेय पर लगातार अपनी जीविका चलाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना, परिवार का पालन पोषण, यहाँ तक कि मानदेय आते आते उनके ऊपर 20,000 रुपये का खर्च हो जाता है और वो अपने जेवर, अपनी बाकी चीज़ों को, यहाँ तक कि फ़ोन को भी उन्हें गिरवी रखना पड़ता है। तो इस साथियों, इस सरकार से मांग और तेज़ करनी चाहिए, जिससे सरकार तक हमारी बातें पहुंच सकें। ये गूंगी बहरी सरकार है जो अनदेशकों के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट लगी हुई है, अक्टूबर माह में डेट है। आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ही है। हो सकता है इस बार फैसला अपने पक्ष में आ जाए। धन्यवाद।